तो गांव में अपना काम भी देखना पड़ता है औरों का काम भी देखना पड़ता है। जिस तरह से आज हम किसी के काम आ रहे हैं, कल को वो हमारे काम आएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रही है सुबह की 6, तो आज फिर से अभी उठ चुके हैं। तो हमारे बैल का एक मास्क खो चुका है, तो अभी लगेगा इन पे मास्क। कोविड गाइडलाइन का पालन, बिल्कुल बिल्कुल, अब होगा काम। दो गज दूरी मास्क है जरूरी। तो दोस्तों, सुबह सुबह का जो दृश्य है यहाँ से ना, हमारे गांव से, बहुत ही गजब का है। आप देख रहे होंगे जस्ट सामने पे दो घाटियों के बीच में जो हल्की हल्की सी लाइट सी आ रही है, ये है जोशी मठ। और उसके पीछे जस्ट जहाँ गोल्डन कलर टोटल अभी उभर रहा है, आप देख सकते हैं माँ नंदा देवी पीक काफ़ी सुंदर यहाँ से दिख रही है। जस्ट एक और इतना शानदार व्यू, जस्ट इतना प्रकृति का इतना बढ़िया नज़ारा। और इधर राजेश भाई और माँ लगे हैं अपने काम धाम में, तो दोनों तरफ काफी सुंदर सुंदर नजारे। फिनिश होने वाला है, थोड़ा सा इतना ही बचा हुआ है। कल से छुट्टी, इस काम से कल से छुट्टी। तो ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना हमारे इधर, तो आपके इधर कितनी ठंड है कमेंट में जरूर बताना यार। यहाँ तो मतलब कमेंट में ऐसे कुकड़ाना है, यहाँ तो तहलका मचा दिया ठंड ने। ये हमारा टोटल माचलू अभी तक का, हमने इनको कट्टे में भर दिया है। और ये हमारा कुत्ता साहब यहाँ बैठा हुआ है। ओए उठ ओलो। तो अभी टोटल मिला करके अभी इतना ही हमारा चला है। अब हल्का फुल्का ये होगा, ज्यादा से ज्यादा भर करके दो कट्टे। ओए चल चल, अरे दूजी को एक साथ लेके चलना, ये नहीं आते मिनट ठीक से चल रही है। मैं बता के देखते हैं कैसे दोनों एक साथ लेके चल रहा है। माचल मारियो दूजी आपसे, तो कॉल लो ओ बेटा, तनर सिंह बजे लागनी अभी यहाँ लेंटर पे आया हुआ हूँ। अभी मैं आपको टाइम लैप दिखाऊंगा ऊपर से, अभी धूप नहीं निकला है, बस अभी निकलने ही वाला है। तो वहाँ से यहाँ नीचे तक धूप निकलने का जो भी टाइम लैप होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी देख सकते हैं अभी मैंने मास्क मुस्क जैकेट जुकेट डाला हुआ है, तो इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड है ना, मेरे को जुकाम तक लग चुका है। दो तीन दिनों में ही, घर आने के दो तीन दिन बाद ही जुकाम लग चुका है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको टाइम लैप, टाइम लैप के मज़े लीजिए। ड्रोन शूट, तो अभी देख सकते हैं चारों ओर धूप निकल चुका है। तो जोशीमठ में ना अभी बिल्कुल भी धूप नहीं निकला, निकल चुकी है। तो अपने जोशीमठ ब्लॉग में सबसे पहले धूप निकलते हैं अपने गांव में। अभी आपको इसके आर पार कहीं धूप नहीं दिखेगा, धूप दिखेगा आपको केवल इधर के साइड, और उधर के साइड आपको पूरा अंधेरा दिखेगा जहाँ से धूप निकला है। उसके जस्ट नीचे देख सकते हैं, यह है जोशीमठ। अभी देखो मैं धूप छिपा करके आपको दिखाता हूँ, नहीं दिख रहा। तो हल्का फुल्का अभी ओली में धूप निकली है, तो जोशीमठ में निकलती है सीधे 8-9 बजे के टाइम पे। वीडियो आ जाएगी मेरे भाई, थोड़ा सा वेट कर ले। तो दोस्तों अभी चौलाई मारने का जो भी काम है वो पूरा हो चुका है, तो अब इसको मैं भी हम कूट रहे हैं। तो कूटने के साथ साथ जो कूट करके जो लास्ट में जो घास को बांधना है, जो घास है उसको बांधने के लिए चाहिए होता हमको क्या, रिंगाल। तो अभी फाड़ रहा हूँ रिंगाल, तो रिंगाल हर किसी के बस की है नहीं फाड़ने, क्योंकि अभी तक सैलिस अभी तक सीखा नहीं है, और काफ़ी टाइम से कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन नहीं सीख पाए हैं, क्योंकि इतना सरल काम नहीं है ये। और हम आपको बता दें कि कैसे करें फाड़ता है, आपने देखा होगा पहले वीडियो में। ये इसमें जैसे बाइक में स्कूटी में बैलेंस बनता है ना साइकिल में, तो इसमें भी ऐसे करके बैलेंस बना के चलना पड़ता है। ये अब सर इसके बारे में तो बता सकते हैं कि कितना टफ है कि नहीं है। ये काफी इजी है, बस आपको करना पड़ता है। करके दिखा ले, ले 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 ले, हम तो इधर नहीं बोल रहे, ले फाड़
दादी अभी जोश में आती हुई शायद अंदर से कुछ खा पी के आ रही है। अमर तो यह तेल कूट है क्या वे क्या दिक्कत हुई तय तेल कूट कुछ नहीं या पार बले जाए तो नंग काटी ना अपन बाइक और कोई ना यार ने फाड़े में फाड़ अभी देखो गाइस अब इसकी करतूत देखो हाँ मुंह से बोलने में और हाथ से करने में क्या अंतर होता है वो आप अभी देख सकते हो। ना 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 सुफान सुफान सो सब कुछ किए जाए फ्लो 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 तो इसने पूरा रिंगाल खराब कर दिया इसके बस की नहीं है। तू वीडियो ही बना यार तू कैमरा मैन ही ठीक है तो पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे अपनी सीट गेरते हुए यहाँ पर वीडियो देखते हुए और काम बताऊंगा ना इसका भी आपको। अभी इसने यहाँ पे इस सामने पे ये दिख रहा है पूरा ये ढेर अभी इसने पूरा कूटना है और 1.5 घंटे से यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। बोल इसको रहे लेकिन अपना भी यही हाल है अभी हमने भी नहीं कूटा है इसको फटाफट कूटते हैं। आज हमारे साथ एक और इंसान जुड़ चुकी है हमारी दादी जी तो बांधने का काम आज दादी करेगी हम फटाफट इसको कूटेंगे और ये भाई ने भी यहाँ पे अपनी जगह घेर दी है। तब थोड़ी देर बाद फिर बोरियत आ जाएगी इनको फिर काम ऐसे छूट जाएगा फिर ऐसे चल तो अभी करते हैं नाश्ता फिर होगा आगे का काम। आज हमने नाश्ता बनाया इधर गौशाला में आई क्यों बने भाई तो दोस्तों लगभग आज का काम कंप्लीट हो चुका है और ये चौलाई जो मारने का जो काम है ये तो पूरा ही खत्म हो चुका है आज ये खत्म हो गया कल से लगभग अब कुछ काम नहीं है तो अब है आराम करने का टाइम। बाकी अभी हमारे यहाँ पे दुर्गेश भाई वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और ताऊ जी का कहना है कि इस जिस तरह का अकाली साल पड़ा हुआ है अनाज पे वैसा हमने अपने जीवन में 61 साल की उम्र में ऐसा आज तक नहीं देखा। तो दोस्तों आज का काम कंप्लीट हो चुका है तो अभी भाई लोग जा रहे हैं लेंटर डालने के लिए गांव में किसी का लेंटर जाना है तो कल वो आए हुए थे बोलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो गांव में अपना काम भी देखना पड़ता है औरों का काम भी देखना पड़ता है जिस तरह से आज हम किसी के काम आ रहे हैं कल को वो हमारे काम आएगा तो यहाँ पर हर चीजें देखनी पड़ती है। तो फिलहाल ताऊ जी ने आज हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई तो उसका मैंने अलग वीडियो बनाया है वो एक मतलब एक अलग वीडियो रहेगा वो उसको हमने इसमें ऐड नहीं किया है ये अपना ब्लॉग टाइप का वो उसमें पूरा विस्तार से ताऊ जी लोगों ने बताया कि किस तरह से आजकल का जो जनजीवन है कैसा है किस तरह की लापरवाही हो रही है और किस तरह का हमको उसका नतीजा मिल रहा है। तो ताऊ जी का सब कुछ हमारे पास क्या चीज़ की कोई चीज़ की कमी नहीं है आशीर्वाद के लेकर के धन दौलत से लेकर के सब कुछ हमारे पास है। बिल्कुल समझने की कमी है हमारे पास बिल्कुल हाँ बाकी कुछ नहीं। अभी शाम की 3 बज चुके हैं और अभी तक सैली भाई लोग नहीं पहुंचे तो एक्चुअली आज हमारी एक नई वाली चक्की आने वाली है जो पहले वाली थी उससे थोड़ा सा बड़ी जो पुराने वाली थी वो कोई और ले जा रहा है। तो अभी पापा ने फ़ोन किया कि जहाँ पे तक गाड़ी आती है वहाँ पे आ जाओ लेने के लिए। तो अभी मेरे को ये 2 डंडी ये 2 लोहे की डंडी और 1 रस्सी लेकर के जाना है तो बांध करके लाएंगे मैं सैली दुर्गेश भाई और पापा। तो इसके साथ साथ ये कैमरा भी ले जाना है दुर्गेश भाई का क्योंकि दुर्गेश भाई नीचे ही है जहाँ पे वो लेंटर डालने के लिए गए हुए थे तो जिसकी परसों शादी थी काका जी की उनको फोटो चाहिए थी तो अभी उसने कैमरा मंगाया दुर्गेश भाई ने तो अभी चलते हैं। चोपड़ा से इंस्पायर्ड सैलेश भाई भाला फेंकते हुए केवल 3 मीटर की दूरी पर तो अभी जा रहे हैं हम फुल जोश के साथ और यही जोश हमको चक्की लाते हुए चाहिए क्योंकि ये जोश रहेगा तो हमारी कम आफत आएगी नहीं तो बहुत ही ज्यादा आफत आने वाली है। दोनों भाई का ब्लॉग चल रहा है देख सकते हो किसके पास कौन सा फोन है इसके लिए आपको दोनों का वीडियो देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल अरे देर भी बहुत छोड़ू भी तेरे भी बाद तो दोस्तों आफत आ गई यार कसम से अभी तक का तो पता नहीं पर जैसे तुम्हें कैमरा पकड़ना तब जा रहा कसम से यार अभी उतना नहीं भाई नीचे नीचे जब स्टार्टिंग मार रहे थे वहाँ ज़्यादा ही आफत आ रही थी
तो अभी हम बोलने की हालत पे नहीं है अभी बाद में। दोस्तों फाइनली घर पहुंच चुके हैं और चक्की भी पहुंच चुकी है। तो कसम से इतनी आफत आ गई ना, इतनी आफत। फिलहाल घर तो पहुंच चुका है ये, बस अब इसको सेट करना है, इसको पापा प्रणाम करेंगे। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है और काफ़ी अंधेरा भी, अब काफ़ी अंधेरा क्या, अब अंधेरा होने वाला है, उतना अंधेरा भी नहीं हुआ लेकिन बस अंधेरा होने वाला है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता है किसी और मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, बाय बाय। वही इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड।